ये कछुआ है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड से, जिसके ऊपर ये त्रिशूल है। सामने गाय का बच्चा खड़ा हुआ है, लग रहा है ना ओरिजिनल बिल्कुल। ये जो ताला है ये है, ये काली माता है, बाबा जी इनके बहुत बड़े भक्त थे, हाथी बने हुए हैं। ये है गाइस 3000 किलो का घंटा। तो गाइस जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि आप अंडरग्राउंड जब जाएंगे तो रोड के दूसरी साइड में निकलेंगे जाके, तो वो दूसरी साइड यही है, ये गेट जो है यहाँ पे खुले मिलेंगे, आप उधर से घुसेंगे रोड के और रोड के इस साइड में निकलेंगे आपके आप। तो आपको ये है कि रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से निकलने के बाद में मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके देखने लायक हैं। ये जैसे कि एक तो ये हो गया, इतना बड़ा त्रिशूल, इतना विशाल, और त्रिशूल जिस पे खड़ा हुआ है वो है ये कछुआ तांबे का, वो भी बहुत विशाल है। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इतनी ये अद्भुत चीज़ें शायद ही आपने कहीं देखी होंगी। ये कछुआ है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड से, जिसके ऊपर ये त्रिशूल है, और ये इसका लेफ्ट साइड है, और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये झारपीर बाबा हैं, उनका ये मंदिर है। जो ये बाबा जी थे ये कर्नाटक साइड के थे, तो जो आप मंदिर की डिजाइंस देख रहे हैं वो लगभग ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि जैसे नहीं साउथ इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं उनकी जो डिजाइंस हैं, तो वैसे ही यहाँ पे डिजाइन बना रखी है। और ये झारपीर बाबा का मंदिर है, दिखा दूँ आपको झारपीर बाबा। ये हैं झारपीर बाबा, तो गाइज यहाँ से बाहर आने के बाद आप इधर आएंगे, इसके मतलब जैसे ही मंदिर से बाहर आएंगे राइट साइड में इधर घूम जाओ, और यहाँ पे ये शायद ही आपने इतना बड़ा कहीं ताला देखा होगा। अब आप सोच सकते हो कितने किलो का होगा यार, मुश्किल से 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो इतना ही होगा ना। चलो कोई नहीं, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ये देखिए गाइज, ये जो ताला है ये है 1 क्विंटल, यानी कि 100 किलो का ताला है, और इसकी चाबी कितनी बड़ी होगी वो भी मैं आपको बता दूं। चाबी है गाइज इसकी 25 किलो की। जी हाँ गाइज, कंफ्यूज मत हो, और ना ही ये कोई आश्चर्य वाली बात है, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर 100 किलो का ताला है तो चाबी तो इतनी बनती है 25 किलो की, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो गाइज आप चलते हैं उस साइड में, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, क्योंकि बीच में रेलिंग लगा रखी है, अब क्रॉस करूँगा तो ठीक नहीं लगता यार। ये जो आप देख रहे हैं ना त्रिशूल जो आपको दिखाया, इस त्रिशूल के सामने ही ये बिल्कुल जस्ट सामने आप वो देख रहे हैं परी है, ये परी है। परी देखने के बाद मैं सीधा आपको ले चलता हूँ उस साइड से, आप सीधा आएंगे, अगर आप उधर निकल गए हैं घूमते घामते अगर उधर से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ आप वहीं पे पहुँचने वाले हैं। ये है बाबा जी की समाधि, जो बाबा संत नागपाल जी थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, तो उनकी ये समाधि है, अभी आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। और यहाँ से लेकिन आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो देखने वाली चीज़ है, ये है गाइस 3000 किलो का घंटा। 3000, आप सोच सकते हो कितना
कितने किलो होगा, कन्फ्यूजन तो यही होगी ना। आप सोच रहे हो ना कि 3000 किलो कुंटल में कितना हुआ, ये माइंड में आया ना आपके? कोई नहीं, 3000 किलो गाइस 30 कुंटल हो गया। तो गाइस ये भी आपने शायद इतना बड़ा घंटा कहीं पे देखा होगा। गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप छतरपुर मंदिर के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे आपको सुबह डेली आना चाहिए, क्योंकि इतना सुकून, इतनी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। और दिल्ली में होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी खुली जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरी दिल्ली में आप घूम के आएंगे ना, इतनी प्यारी जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप दिल्ली में छतरपुर के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर घूमने आइए, डेली आइए मैं तो कहूँगा। तो आइए चलते हैं, और भी आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं कि मंदिर में क्या क्या और भी चीज़ें हैं देखने लायक। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइज, और भी लोगों को शेयर कर देना जो भी छतरपुर मंदिर में आना चाहते हैं। और अब चलते हैं बाबा जी की समाधि की तरफ। वैसे तो मैं उल्टी साइड से आ गया हूँ, लेकिन आप कोशिश करना कि उसी साइड से आना जहाँ पे वो मैंने आपको दिखाया था कछुआ और वो त्रिशूल, और उसी साइड से अगर आप आएंगे तो वो आपके लिए सीधा रास्ता पड़ेगा, सही पड़ेगा। मतलब मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे लगभग आधे से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पे जानता है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किधर से भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सही रास्ते से आना, नहीं तो पता चला कि वैसे भी नवरात्रों में आपको ये रास्ते इधर खुले हुए नहीं मिलेंगे, आपको मतलब भटकना वैसे भी नहीं पड़ेगा नवरात्रों में। ये दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ घंटा, लगभग दोनों साइड से बराबर ही दूरी है। ये जस्ट समाधि के बाहर ही बना हुआ है, ये समाधि है, और समाधि से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में ही बना हुआ है। और समाधि के जस्ट बाहर अब मौसम बढ़िया हुआ है यार, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये देखिए हाथी बने हुए हैं, देखिए इस साइड में हाथी बना हुआ है। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं पार्क, इसमें नवरात्रों में बहुत ही बढ़िया झांकी सजाई जाती है, आर्टिफिशियल पहाड़ बना दिए जाते हैं, झरना बना दिया जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल ओरिजिनल का ये झरना है, ओरिजिनल का पहाड़ है। और देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, सामने गाय का बच्चा खड़ा हुआ है, लग रहा है ना ओरिजिनल बिल्कुल। तो ऐसे ही अभी आप अगले महीने देखने वाले हैं 15 तारीख से, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें आप ज़रूर आना। पूरा मंदिर बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे। और समाधि के अंदर क्या है ना कि कैमरे लगे हुए हैं, वैसे तो मुझे कोई शूट करने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन जब पब्लिक होती है तो मुझे खुद ही मतलब अंदर से ये लगता है कि अगर मैं शूट करूँगा तो इन लोगों के लिए भी ये लोग मना नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करूँगा अगर कोई नहीं हुआ तो मैं शूट करके आपको दिखा दूँगा कि हाँ समाधि कैसी है अंदर से। यहाँ पे ये जूते चप्पल उतारते हैं, ये नंदी जी बैठे यहाँ पे। तो गाइस ये समाधि के अंदर आ चुका हूँ, फिलहाल पब्लिक है यहाँ पे, तो मैं जल्दी जल्दी में शूट कर लेता हूँ। ये काली माता हैं, बाबा जी इनके बहुत बड़े भक्त थे काली माता के, और बस यहाँ पे इतना ही शूट करूँगा। ये बाबा जी की मूर्ति है, ये समाधि है, और बस यहाँ से अब चलते हैं ऊपर नागेश्वर मंदिर में। यहाँ से एग्ज़िट करेंगे गेट से, और ये राइट साइड में आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे सीधा, यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे गाइज, तो ये नागेश्वर मंदिर में जाएंगे सीधा, वहाँ भी आपको दिखाते हैं।
कि मंदिर कैसा बना हुआ है ऊपर। ये सामने नागेश्वर जी हैं। और ऊपर आप देखिए कितने कैसे बनाया होगा, मैं तो यही सोचता हूँ। ये जो इतना बड़ा गुम्बद है, ये गुम्बद कैसे बनाया होगा, और ऊपर से फिर उसमें ये डिज़ाइन। तो गाइस यहाँ पे बस इतना है, आगे वो जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये नागों की माता है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में ये जो गेट है अभी तो बंद है फ़िलहाल, ये खोल दिया जाएगा नवरात्रों में, उधर से ही एग्ज़िट करेंगे फ़िलहाल। तो अभी मैं यहीं से एग्ज़िट करता हूँ जहाँ से घुसा था। यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद में गाइस ये जो पार्क में है, जब भी देखता हूँ ये जो मंदिर के बाहर पार्क बने हुए समाधि के, तो गाइस मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं बचपन में यहीं आके खेलता था, शाम को मतलब 6 बजे आ जाता था यहाँ पे, और रात के 9-10 बजे तक, जब तक मंदिर बंद नहीं हो जाता था तब तक यहीं पे खेलता रहता था मैं। तो गाइस अब समाधि से बाहर आ चुके हैं, यहाँ से ये चप्पल पहन लेता हूँ। फिलहाल जब आप आएंगे तो आपको तो यहाँ पे कोई ना कोई, मतलब नवरात्र में जब आएंगे आप तो नवरात्र में यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ होता है, सेवादार लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे फिर ऐसे चप्पलें नहीं रखते हैं, फिर तो आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा। तो अब समाधि से, ये समाधि है और यहाँ से लेफ्ट साइड में ये रास्ता है, यहाँ से चलेंगे इस साइड में। बस थोड़ा सा लगभग 90% आपको मंदिर मैंने दिखा दिया है, और जो 10% बचा हुआ है वो भी मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। आज गाइस मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, इस वजह से मैंने कहा चलो चलते हैं अपने मिशन पे वीडियो शूट करने। और गाइस ये इसको बोलते हैं मार्कंडेय हॉल, ये जो अभी आपको दिखाया था ये मार्कंडेय हॉल है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसा कि आप मेरे चैनल पे ही देखेंगे, ये एक वीडियो मैंने डाली हुई है, यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, मतलब शिव जी का था कुछ प्रोग्राम, जिसमें 1,11,00,000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना हुई है, मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए हैं उसमें। और वो अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे पंडित जी वगैरह खड़े हुए हैं मंदिर के। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो इधर ये विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो बाकी यहाँ पे मार्कंडेय हॉल में और कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। और बाकी ये सामने कुछ मूर्तियाँ हैं। और गाइस फिर फाइनली यहाँ पे मार्कंडेय हॉल में आप आराम करने के बाद में, बैठने के बाद, फिर आप यहाँ से आएंगे, ये लेफ़्ट साइड में रास्ता है निकलने का, यहाँ से निकल के आप फिर सीधा आप इधर आइए,
यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये है नवग्रह मंदिर, छोटा सा बना रखा है। हमारे जो नवग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो सारे ये मतलब नवग्रह मंदिर बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दर्शन करके फिर आप इधर को आएंगे और मार्कंडेय हॉल, और ये जो बीच में आप देख सकते हैं इसके बीच से रास्ता जो जा रहा है, यहाँ से आप आएंगे और फिर जो रह गया है बस थोड़ा सा और, मतलब हमारा 95% मंदिर मैं आपको दिखा चुका हूँ। बचा 5%, और वो 5% जो है 5,00,000% के बराबर होगा गाइज, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो आप डेली देखते हैं और उनकी पावर भी आप जानते होंगे गाइज, क्या पावर है। बस पहुँचने वाले हैं उनके सामने, उनके दरबार में, और बस आ गए हैं। ज़्यादा वेट नहीं करने का बिड़ू, और अब आपको फाइनली उनके दर्शन होने वाले हैं। वन टू और थ्री, समझ गए गाइज मैं बात कर रहा था हमारे बलियों के बलि, महाबली, महावीर, हनुमान। ये गाइज 108 फीट की मूर्ति है छतरपुर मंदिर में। और गाइज ये जो बाहर पार्क बने हैं, यहाँ भी जब मैं आता हूँ तो यहाँ भी मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत खेला हूँ बचपन में। तो गाइज फाइनली मैंने आपको पूरा मंदिर आज दिखा दिया है, और अब मुझे ज़रूर बताना लास्ट में कमेंट करके कि पूरा मंदिर देखने के बाद में आपने क्या महसूस किया और क्या महसूस नहीं किया यहाँ पे, और अब आपकी मतलब छतरपुर आने की इच्छा कितनी हो रही है छतरपुर मंदिर आने की, वो भी ज़रूर बताना। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ घर, बाय बाय, टेक केयर, वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का, वो भी बहुत जल्दी लाऊँगा।